बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं दाल की कचौरी और आलू की सब्जी, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें ली हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने तकरीबन 125 ग्राम दाल ले ली थी, और अगर इसको वजन में देखा जाए तो ये आधा पाव दाल बनती है एक कप के बराबर। ये हमने दाल इसको भिगो लिया था तकरीबन 2 घंटे पहले, हमने इसको भिगो लिया अच्छी तरह। अब ये इस तरह ये भीग चुकी है, ये नरम हो चुकी है, अब हम इसको पका लेंगे। इसमें तकरीबन हम शामिल करेंगे 1 कप पानी, और इसमें अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इसको पका लेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल हलीम की तरह हो जाएगी। ये जब तक पकती है फिर हम आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, ये दाल रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये इस शक्ल में आ गई है दाल। इसको हमने अच्छे से पका लिया, और इतनी ही हमने नरम रखनी है। अब इसको हम मैदे में गूंद लेंगे जी। तो अब यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ले लिया, इसको अच्छे से हमने छान लिया, इसको छान के आपने बनाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून है इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसमें आपने घी नहीं डालना है, इसमें ऑयल शामिल करना है। इसमें अब डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जो दाल हमने पकाई थी ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और गूंद लेंगे इसमें। जी तो व्यूअर्स, ये इसके अंदर हमने अब गूंद लेना है। अब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैदे के अंदर सारा इसको गूंद लेना है। पानी बहुत थोड़ा सा इसमें जाएगा जी। तो व्यूअर्स, आपने इतना थिक इसको रखना है, इसको अच्छे से गूंद लें। ये आप देख सकते हैं ये डो की शक्ल में आ गया। बहुत ही आसान रेसिपी है दाल कचौरी बनाने की, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, तो जल्दी बन के तैयार हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये कचौरी के लिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। इसमें हमने दाल और मैदे को अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, और हम अब आलू की सब्जी तैयार करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम कचौरी के लिए बनाएंगे, कचौरी का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके लिए आलू की सब्जी तैयार करेंगे, आलू की भुजिया तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे हमने पहले ले लिया है कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून है सौंफ, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ जीरा है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून ही साबुत धनिया है, और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम कलमंजी शामिल करेंगे। ये सारे मसाले हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। इनको लो फ्लेम पे हमने फ्राई कर देना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, इसके कि हमारा मसाला जल ना जाए। जी तो वैसे मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू, जो कि मैंने इस शक्ल में बारीक बारीक कतले काट लिए और इसको बॉईल कर लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम पानी शामिल करेंगे, 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे, और इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें अचार, मिक्स अचार लिया था मैंने, इसको बारीक बारीक पीसेस में कर लिया ऐसे, और साथ ही तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही इसमें अचार का तेल है, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आलू की तरकारी बन के तैयार होगी दाल की पूरी के साथ, बहुत ही मज़ेदार। अब हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे, साथ ही ये आलू को थोड़ा थोड़ा हम मैश कर लेंगे।
तक ये हमारी तरकारी बन के तैयार होती है, पानी इसका थोड़ा ड्राई होता है, तब तक हम पूरी का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। रहमान रहीम जी, ये तो हमारी अब कचौरी का मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह ऐसे गूंद लेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए इसको गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी सॉफ्ट कचौरी बनके तैयार हो। जी तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसको हमने अच्छे से गूंद लिया है, अब हम इसके बनाते हैं पेड़े छोटे छोटे और अपनी कचौरियाँ रेडी करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आलू की तरकारी रेडी हो चुकी है, पानी इसका ड्राई हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अपनी कचौरियाँ रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम कचौरी के लिए पेड़े बना लेंगे। इस साइज के आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं, इस साइज के। थोड़ा सा इस पे मैदा डस्ट करेंगे, अब हम इसको बेल लेंगे नरम हाथों से। इस साइज में हमने कचौरी तैयार कर लेनी है। कुकिंग ऑयल हमने रख दी है गर्म होने के लिए, अब हम इसको फ्राई करते हैं, तब तक हम इनको चारों को कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कचौरी डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी ये कचौरी रेडी हो चुकी है, इसी तरह हम सारी बना लेंगे। बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी कचौरी बनके तैयार हो रही है, देख सकते हैं आप, और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो बच्चों की बहुत ही पसंदीदा डिश बनके तैयार हो गई है। व्यूअर्स, ये आलू की तरकारी और दाल की कचौरी बनके तैयार है, अब हम आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसी बनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, ये इसको अंदर से भी देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मम्मा बहुत ही मज़ेदार। जी तो व्यूअर्स, जी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, आप भी इसको दाल की कचौरी और आलू की तरकारी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।